आज मैं आईटीआई के बारे में कुछ विशेष जानकारी देने जा रहा हूँ। आईटीआई की शुरुआत क्यों हुई, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, ये कोर्स करने के बाद आगे भविष्य में इसकी कितनी जरूरत पड़ती है, इसके बारे में आपको बता रहे हैं आप लोगों को। जब मेरा देश आजाद हुआ 1950 में, तो हमको मूलभूत जरूरत के जो सामान है उनको खरीदने के लिए दूसरे देशों पर निर्भर होना पड़ता था। तो हमारे मित्र राष्ट्र रूस और हमारे प्रथम उस समय के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने मिलकर के एक योजना बनाया कि क्यों ना अपने देश में ही स्किल वर्कर को तैयार किया। ये स्किल वर्कर तैयार करने के लिए एक योजना बनाई गई, जिस योजना का नाम था स्थिर उदार प्रशिक्षण योजना। इस योजना को लेकर के गवर्नमेंट ने एक अलग बजट पास किया, एक आयोग बना। इसमें उस समय योग्यता थी आईटीआई में एडमिशन की 8वीं पास। आगे युद्धकों की जरूरत जैसे जैसे बढ़ती गई, उसमें योग्यता को बढ़ाते गए। अब आईटीआई में एडमिशन की योग्यता मैट्रिक है। आईटीआई 2 साल का एक सर्टिफिकेट कोर्स है, जिसमें ट्रेनिंग करने के बाद वर्कर एक सर्टिफाइड लेबर बन के निकलता है, जिसके बाद कंपनी में उद्योगों में उसकी एक अलग मांग होती है। आईटीआई 2 साल का है। जैसे पॉलिटेक्निक करने वाले लड़कों को ये बताया जाता है कि मैं पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ता हूँ, वैसे आईटीआई की लड़की कहते हैं कि मैं आईटीआई कॉलेज में पढ़ता हूँ। अगर पॉलिटेक्निक का लड़का कहता है कि मैं डिप्लोमा कर रहा हूँ, उस स्थिति में आईटीआई के बच्चे अपने कोर्स का नाम क्या होता है? तो आज से जान लीजिए, हमारे कोर्स का नाम है CTS, क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम, जिसको हिंदी में कहते हैं शिल्पकार प्रशिक्षण योजना। ये इसमें एडमिशन के बाद अलग अलग व्यवसाय को ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे फीटर है, इलेक्ट्रीशियन है, टर्नर है, मशीनिस्ट है, क्या है। आईटीआई का 2 साल का कोर्स करने के बाद हमको एक सर्टिफिकेट मिलता है, जिसको कहते हैं NTC, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र। आईटीआई करने के बाद अप्रेंटिसशिप करना बहुत ही जरूरी होता है। अप्रेंटिस आईटीआई करने के, ट्रेनिंग पूरी करने के 3 साल के अंदर कभी भी किया जा सकता है। अप्रेंटिस करने के बाद हमको एक अलग सर्टिफिकेट मिलता है, जिसको कहते हैं NAC, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। ये सबको करना अनिवार्य होता है अगर उद्योगों में आगे प्रमोशन पाना है तो। आईटीआई अप्रेंटिस करने के बाद अगर इसी क्षेत्र में हमको आगे बढ़ना है, तो हमको पूरे इंडिया में 6 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, जिनमें शिल्पकार अनुदेशक प्रशिक्षण दिया जाता है, जिनको CTI कॉलेज कहते हैं। वहाँ से करने के बाद हमको जो सर्टिफिकेट मिलता है, उसको कहते हैं CITS, शिल्पकार अनुदेशक प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत वो सर्टिफिकेट दिया जाता है। हमारे आईटीआई को कौन गवर्न करता है, मतलब कौन इस पर कमांड करता है? आईटीआई को कमांड करने के लिए पहले तो हमारी राज्य सरकार है, जो एक बनाई हुई है परिषद, जिसको कहते हैं SCVT, स्टेट वोकेशनल ट्रेनिंग, SCVT जो गवर्न करती है उसका नाम है SCVT, स्टेट काउंसिल वोकेशनल स्टेट काउंसिल वोकेशनल और ट्रेनिंग। ये संस्था स्टेट लेवल पर हमारे आईटीआई को कमांड करती है। इसके बाद NCVT इसको कमांड करती है, जिसको कहते हैं नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। SCVT और NCVT को कमांड करने के लिए आगे जो है, जो इसको कमांड करता है उसका नाम है DGEN
एंड टी डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग, ये इनको कमांड करता है। और डीडीईटी को कमांड करता है भारत का श्रम मंत्रालय, इसको कमांड करता है। और इन सभी को एससीबीटी एनसीबीटी डीडीटी और श्रम मंत्रालय को कमांड करता है भारत सरकार, भारत गणराज्य का राष्ट्रपति।